Video jungle. दोस्तों बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज। मौसम विभाग की चेतावनी, अगले 24 घंटों में इन इलाकों में होगी भारी बारिश, फसलों को हो सकता है भारी नुकसान। जी हां दोस्तों, इन इलाकों में अगले 24 घंटों में भारी बारिश होने की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। तो दोस्तों कौन कौन से इलाकों में भारी बारिश होगी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों सबसे पहले आपको कमेंट करके बताना है आप कौन से जिले से ये वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, रोजाना मौसम की जानकारी पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों देश के कई इलाकों में अगले 24 घंटों में अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। उत्तर बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिससे बारिश की गतिविधियों में तेजी देखी जा रही है। मानसून का ट्रफ अभी फिरोजपुर, दिल्ली, बरेली, वाराणसी, गया और बंगाल के बकुंडा में बना हुआ है। वहीं हाल बंगाल की खाड़ी के उत्तरी इलाकों में देखा जा रहा है। दोस्तों मानसून का कहना है कि इसी बीच इस तरह चक्र उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश में देखा जा सकता है। दोस्तों वेदर एजेंसी इकाई मेंट के मुताबिक अगले 24 घंटों में मध्य प्रदेश में कुछ हिस्से, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पश्चिमी हिमाचल, हिमालयी क्षेत्र, बिहार, दक्षिण बंगाल, सिक्किम और गुजरात के हिस्सों में हल्की से मध्य स्तर की बारिश होने की संभावना है। दोस्तों झारखंड, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार तटीय कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप में हल्के से मध्य स्तर की बारिश हो सकती है। इन प्रदेशों के कुछ इलाकों में भारी बारिश भी आने की संभावना है। दोस्तों मध्य प्रदेश, राजस्थान, सौराष्ट्र और कच्छ, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और विदर्भ के इलाकों में हल्के या कुछ तेजी से बारिश देखी जा सकती है। दोस्तों इन इलाकों में हो सकती है भारी बारिश। आज से और शुक्रवार तक बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में भारी से भारी बारिश होने की आशंका है। दोस्तों आज यानी गुरुवार को बिहार में भारी बारिश हो सकती है। दोस्तों बंगाल के इकाई मेंट वेदर के लिए भारतीय मौसम विभाग ने मंगलवार और गुरुवार के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। दोस्तों गुरुवार को झारखंड में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के इन इलाकों के लिए आग्रह किया गया है कि वित्तीय परिस्थितियों के लिए तैयार रहें और सुरक्षा के सभी एहतियात बरतें। कोलकाता सहित आसपास के कई जिले नदिया उत्तर और दक्षिण 24 परगना, पूर्व और पश्चिम मिदनापुर, हवाड़ा, हुगली और पूर्व वर्तमान में बेहद क्षेत्र बारिश हो सकती है। दोस्तों मुर्शिदाबाद, झाड़ग्राम, पुरलिया, वीरपुर में भी बारिश हो सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि फसलों का नुकसान यानी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही बिहार और उड़ीसा के लिए 48 घंटों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। विभाग ने कहा है कि लोगों को इसी हिसाब से अपनी तैयारी करनी चाहिए। खेती बाड़ी का काम भी है तो उसकी तैयारी मौसमी बदलाव को ध्यान में रखकर करना चाहिए। देश में लगभग हर राज्य में खरीफ फसलों की बुवाई पूरी तरह हो चुकी है। धान की रोपाई या तो खत्म हो चुकी है या कहीं कहीं थोड़ा बाकी है। दोस्तों अगर भारी बारिश होती है तो पौधों के डूबने का डर होता है। खेतों में पानी भर जाए तो धान के बिछड़े से यानी झड़ने या अन्य फसलों के खराब होने का डर रहता है। हाल ही बारिश में देखा गया है कि लगातार बारिश के चलते किसानों को दोबारा धान की रोपाई करनी पड़ सकती है। दोस्तों उत्तराखंड के लिए रेड अलर्ट जारी। दोस्तों मौसम विभाग के मुताबिक यूपी के कुछ जिलों में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। इसके पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, बरेली, सहारनपुर में भी भारी बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं इसके अलावा मेरठ, गाजियाबाद, एटा, कासगंज, अलीगढ़ और बागपत में 28 जुलाई के बीच भारी बारिश होगी। यानी 28 जुलाई तक खूब बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। दोस्तों उधर उत्तराखंड के अगले 6 दिनों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई इलाकों को लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया। इसके देखते हुए मुख्यमंत्री ने प्रशासन को मुस्तैद रहने और किसी भी परिस्थितियों के लिए तैयार रहने को कहा गया है। दोस्तों बंगाल में यानी पिथौरागढ़, पौड़ी, देहरादून और नैनीताल के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों इन राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब।